और अब बात करेंगे रायपुर के एम्स में आज से शर्तों के साथ ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी। ओपीडी के लिए मरीजों को पहले पंजीयन कराना जरूरी होगा। प्रतिदिन 70 संख्या में सीमित संख्या में ही ओपीडी में इलाज होंगे। एम्स में सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रथम पाली में ओपीडी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में ब्रॉड स्पेशलिटी विभाग के लिए प्रतिदिन 30 रोगियों को परामर्श दिया जाएगा। 20 नियमित और 10 नए मरीज होंगे। सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए मरीजों की संख्या 15 होगी, जिसमें 10 नियमित और 5 नए शामिल होंगे। ओआरएस ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। तो आपको बता दें, रायपुर में आज से एम्स में ओपीडी खोली जा रही है। आज से जो है ऑपरेशन शुरू होंगे और उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। ओपीडी सेवाएं आज से शुरू होने जा रही है। इसमें मरीजों को पहले से पंजीयन कराना जरूरी होगा। प्रतिदिन सीमित संख्या में ही ओपीडी में इलाज हो सकेगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रथम पाली में ओपीडी होगी। 20 नियमित और 10 नए मरीजों को इलाज मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, ओपीडी सेवाएं आज से शुरू होने जा रही हैं, किस तरह की तैयारियां इसको लेकर के, क्योंकि कोरोना का कहर भी लगातार जा रही है, और किस तरह से लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, पूरी जानकारी। बिल्कुल, एम्स में जो है आज से ओपीडी सेवाएं जो है वो शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि सर्वाधिक जो कोरोना के मरीज वो भी एम्स में है, जिसे देखते हुए ओपीडी की सेवा जो है वो बंद कर दी गई थी। लेकिन अब ओपीडी के लिए आप मरीजों को सबसे पहले पंजीयन कराना जरूरी होगा और प्रतिदिन जो है सीमित संख्या में ही ओपीडी में इलाज होंगे। सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक जो है प्रथम पाली में ओपीडी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में ब्लॉक स्पेशलिटी विभाग के लिए प्रतिदिन 30 रोगियों के परामर्श दिया जाएगा, साथ ही 20 नियमित और 10 नए मरीज होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ओपीडी के लिए जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई है। साथ ही ओआरएस ऐप के माध्यम से जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और इसी तरीके से जो है ओपीडी को भी धीरे धीरे खोलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज से ओपीडी खुलेंगे और मरीज भी जो है ओपीडी में आएंगे। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा उन्हें जो है वो प्राथमिकता पहले दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार बने रहिए आपके साथ, अगली खबर पर भी जुड़ेंगे।